छठा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत की आवाज़ बहुत ही मधुर थी तथा वह जब अपनी आवाज़ में कबीर के सीधे साधे पदों को गाते तो वह बिल्कुल सजीव हो उठते। उनकी आवाज़ को सुनकर लोग, बच्चे तथा औरतें मंत्रमुग्ध हो जाती। बच्चे उनकी आवाज़ सुनकर झूम उठते तथा औरतों के होंठ स्वाभाविक रूप से कंपकपाने लगते। किसानों के पैर भी विशेष क्रम ताल से उठने लगते थे। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। कि इस पाठ में कई ऐसे प्रसंग आए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि वे सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। जैसे कि जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी पुत्रवधु से पतोहू से ही उसका अंतिम संस्कार करवाया तथा इस मान्यता का विरोध किया जो औरतों को शमशान में जाना निषेध मानती है। विधवा विवाह के प्रति भी उनके विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त हुए हैं जब उन्होंने अपनी पुत्रवधु के दूसरे विवाह का आदेश दे दिया। अगला प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। कि जब लोग धान रोपाई करते थे तो भगत की स्वर लहरियां क्या चमत्कार करती थी। धान की रोपाई के समय आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पुरवाई हवा के बीच कहीं से कानों को मधुर स्वर प्रदान करने वाली बाल गोविंद भगत की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आवाज़ कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते। खेत की मेड़ पर कलेवा लिए बैठी औरतों के होंठ स्वयं ही कंपन करने लगते तथा खेतों में हल चलाते हुए किसानों के पैर एक ताल से झूमने लगते थे। इसके पश्चात रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत नवा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। ऐसी अनेक बातें हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा प्रकट हुई है। उनमें से कुछ हैं, भगत सिर पर सदा ही कबीरपंथी टोपी पहनते थे जो कनपटी तक आती थी। वे कबीर के ही पदों को गाते थे तथा उन्हीं के आदेश पर चलते थे। खेती बाड़ी में जो कुछ भी पैदा होता था वे सबसे पहले उसे कबीर जी के दरबार में भेंट करते और वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता उससे ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण होंगे। कि भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्न कारण हो सकते हैं। कबीर के साधु जीवन से भगत काफ़ी प्रभावित हुए होंगे क्योंकि कबीर भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु ही थे। कबीर जी की आडंबरों में कोई रुचि नहीं थी, उनका आदर्श रूप उन्हें अच्छा लगा होगा। अगला है कि कबीर परंपरा से चली आ रही कृतियों का विरोध करते थे तथा भगत जी को भी ऐसी कृतियां अच्छी नहीं लगती थी। पाठ का 11वां प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि गांव में लोग अधिकतर खेती करते हैं। सूखे पड़े खेतों को देखकर तथा शांत पड़े कृषकों को वर्षा होने की प्रतीक्षा रहती है। वर्षा ना होने पर किसान उदास हो जाते हैं तथा आषाढ़ मास में जैसे ही बादल आकाश में आते हैं वैसे ही उनका मन खुश हो जाता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है सूखी धरती की प्यास बुझती है तथा संपूर्ण गांव के जीवन में उल्लास छा जाता है। पाठ का अगला प्रश्न है,
ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु को पहचान पहनावे के आधार पर ही की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? इस प्रश्न के उत्तर में हम निम्नलिखित बातों के आधार पर यह पहचान कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति साधु है या नहीं। जो जिसकी वाणी से अथवा आवाज से दूसरों को अच्छा लगता हो, जिसके कार्य दूसरों की भलाई के लिए हों, जो सीधा साधा जीवन व्यतीत करता हो तथा जो लोभ और स्वार्थ आदि से दूर हो, ऐसे गुणों वाले व्यक्ति को हम साधु की श्रेणी में रख सकते हैं।